हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा आज 29 तारीख हो चुका है, 29 अप्रैल है, तो आज जो है मेरा पेमेंट अभी तक मेरे बैंक में आया नहीं है और मैं आज जा रहा हूँ अपने यूनियन बैंक ब्रांच में। तो अपना मैंने पासबुक ले लिया है और मैं अभी अपने जो पास का जो मेरा ब्रांच है तो उसमें मैं जा रहा हूँ पता करने कि मेरा पेमेंट अभी तक क्यों नहीं मेरे बैंक में रिफ्लेक्ट हुआ। क्योंकि 22 तारीख को जो है मुझे रात को मेल आ चुका था कि योर पेमेंट हैज़ बिन रिलीज सक्सेसफुली। तो अभी वहाँ से तो पेमेंट निकल चुका है लेकिन 5 दिन का वेट करने के लिए बोला गया था। मैंने 5 दिन वेट कर लिया है लेकिन इस बार थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने भी यूट्यूब पे कई वीडियो देखी तो उनमें लोग बता रहे हैं कि इस बार पेमेंट जो है कोरोना के वजह से 5 दिन से 10 दिन भी लग सकते हैं। तो इस वजह से मैं एक बार जा रहा हूँ बैंक में पता कर ले रहा। कल मैंने जो है 28 तारीख को कॉल लगा के भाई यूनियन ब्रांच में जो है कस्टमर केयर से बात की थी तो उन्होंने बोला था इस तरह का कोई पेमेंट अभी आपके बैंक में आया नहीं है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं तो पेमेंट रिलीज हुआ है जो गूगल एडसेंस की तरफ से। तो मैंने अपना जो है पेमेंट रिसीव निकाल लिया है और इसे मैं अब लेके जा रहा हूँ अपने यूनियन बैंक के ब्रांच में और वहाँ पे पता करता हूँ क्यों मेरा अभी तक पेमेंट रिलीज हुआ है, तो अभी तक मेरे बैंक में क्यों अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो इसको जो है मैं अभी पता कर ले रहा हूँ क्योंकि अभी 2 दिन मई में 1 मई और 2 मई को हो सकता है बैंक बंद रहे, इस वजह से मैं अभी जाके पता कर ले रहा हूँ। और मैंने जो है 5 डे वेट किया है, वहाँ पे बोला गया था 5 वर्किंग डे वेट करने के लिए, जितने दिन बोला गया था वेट कर लिया लेकिन कई यूट्यूब है कि 5 दिन से ज़्यादा भी लगता है। तो मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ लेकिन जो है अभी एक बार मैं जाके पता कर ले रहा हूँ क्या सीनेरियो है वहाँ का, तो वो लोग कुछ बताएंगे। तो बैंक के जो है जा रहे हैं मैनेजर से भी बात करेंगे और स्टाफ लोग से भी कि वो अभी तक मेरा पेमेंट अभी तक मेरे बैंक में आया नहीं। तो चलिए तब चलते हैं बैंक की तरफ, तो वहाँ पे क्या जो होता है बात तो आपको आके बताएंगे। तो आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियो भी बने रहे, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और आप लोग के लिए मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए हम लोग बैंक की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं अपने ब्रांच आ चुका हूँ यूनियन बैंक के। तो मेरे पास में ये है शॉप के, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्टेंस दूर नहीं है। तो अब चलते हैं फटाफट अंदर और बातचीत करते हैं जो है स्टाफ या मैनेजर से, तो क्या बात होती है मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना जो है पेमेंट रिसीव स्लिप दे दिया है तो स्टाफ को। स्टाफ जो है मैनेजर के पास लेके गए हैं तो उन्होंने बोला है कि कुछ देर वेट करिए, मैं आपको सब चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे एक सब चीज़ क्लियर होती है मैं आपको वीडियो में। सो फ्रेंड, फाइनली मैं बैंक जाके आ चुका हूँ और वहाँ पे मैं गया, जो बातचीत हुई वहाँ स्टाफ थे उन्होंने मेरा स्लिप देखा और वो जो स्लिप लेके जो है अपने मैनेजर के पास गए। मैनेजर ने जो है बातचीत हुआ तो उन्होंने बोला ठीक है आपका जो है पेमेंट मैं देख रहा हूँ। तो चेक किया और बोले कि कोलकाता में अभी वोटिंग है, इस वजह से आपका जो है आज नहीं हो पाएगा। जो है आज 29 अप्रैल है, लास्ट वोटिंग आज जो है कोलकाता में वेस्ट बंगाल में है, तो इस वजह से कुछ फॉरेन डिपार्टमेंट के लोग नहीं आए हैं। तो इस वजह से आपका जो है कल एक बार फिर से आप विजिट करिए। तो मैं अब जो है नेक्स्ट डे जा रहा हूँ तो देखता हूँ क्या होता है वहाँ का जो है सब चीज़। आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से जो है मेरा पेमेंट तो रिलीज हो गया, देखता हूँ कब तक मेरे जो है बैंक में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे ही आ जाएगा मैं आप लोग को वीडियो बना के आप लोग को सूचित कर दूंगा, आप लोग को बता दूंगा। दिल से शुक्रिया मैं करता हूँ और आप लोग से जो है काफ़ी जो है लगाव हो चुका है और मैं आप लोग से बहुत खुश हूँ। आप लोग इसी तरह से मेरे ऊपर सपोर्ट और प्यार बना के रखिए और आने वाले समय में मैं आप लोग के लिए भी कुछ गैजेट रिव्यू, अनबॉक्सिंग और जो है गिव अवे भी करूँगा और अच्छे अच्छे चीज़ों के ऊपर वीडियो बना के आप लोग को देने की कोशिश करूँगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और जो आप लोग कुछ उससे सीख पाएँ, आपको कुछ नॉलेज आए। तो आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखिए, आगे बढ़ते रहिए लाइफ में और साथ में मुझे भी जो है आप लोग मोटिवेट करते रहिए। एक लाइक कर दिया करिए क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो एडिटिंग और वीडियो बनाने में। तो आप लोग को जो है मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। देखता हूँ कब तक पेमेंट आ जाती है, तो इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि कोरोना भी चल रहा है और जो है कि वोटिंग भी हो रही है वेस्ट बंगाल में, तो वेट कर ले रहा हूँ। तो सब्र इतना दिन किया हूँ, कुछ दिन और, तो जैसे ही पेमेंट आएगी मैं वीडियो आप लोग को फर्स्ट पेमेंट वाली बना के दे दूंगा। तो फिर से एक बार थैंक यू करना चाहूँगा और चलिए फिर तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।